मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आर चैप्टर इज नेचुरल वेजिटेशन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउ वेजिटेशन आज ग्रोज इन डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट कंडीशन. नाउ लेट वी स्टार्ट. नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब ओवर अ लॉन्ग टाइम सो एज टू अलाउ इट्स इंडिविजुअल स्पेसिस टू एडजस्ट देमसेल्व टू क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन एज फुली एज पॉसिबल. यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है जो रेफर करता है प्लांट कम्युनिटी को जिसको बहुत टाइम से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता. क्यों डिस्टर्ब नहीं किया जाता, ताकि वो सॉइल और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके जितना कि पॉसिबल हो. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. आपको पता है, मैंने आपको पहले भी ज्योग्राफिकल कंडीशन में बताया था कि हर रीजन की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, अपनी अपनी एक उसकी विशेषता होती है. ठीक है, अलग अलग रीज़न का, जैसे कोई हॉट है, कोई कोल्ड है, कोई एरिड है, तो हर रीज़न अपने अपने में एक अपनी अपनी क्वालिटी लिए हुए होता है. इसी तरह क्या सा वेजिटेशन होता है. देखिए, जो हिमालयन रीजन का वेजिटेशन होगा वो डिफरेंट क्लाइमेट और डिफरेंट सॉइल के साथ होगा. जो प्लेन का वेजिटेशन होगा वो भी डिफरेंट क्लाइमेट और डिफरेंट सॉइल के साथ होगा. इसी तरीके से जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है वहाँ की जो वेजिटेशन होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी जो हिमालयन वेजिटेशन है. तो वी कैन से दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. इंडिया में क्या है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने को मिलते हैं. लाइक हिमालयन हाइट्स आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन. किस तरह की है, टेम्परेट वेजिटेशन है हिमालयन में. और जो वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार आइलैंड है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. और डेल्टिक रीजन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव्स हैं. जो डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया है लाइक राजस्थान, ये किसके लिए फेमस है, कैक्टी, अ वाइड वैरायटी ऑफ बुशेस, जो झाड़ियाँ होती हैं, जो थॉर्नी वेजिटेशन होते हैं. कैक्टस के आपने अगर प्लांट्स देखे हों तो वी कैन से दैट कि जो कैक्टस के प्लांट्स होते हैं वो एरिड और सेमी एरिड रीजन में जो होते हैं बहुत अच्छी से ग्रो करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन क्लाइमेट एंड द सॉइल. किस पर डिपेंड करता है, मैंने भी आपको बताया ना कि पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट और सॉइल पर डिपेंड करता है कि वहाँ की वेजिटेशन का जो नेचर है वो किस तरीके का होगा. द वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वेजिटेशन है वो चेंज होती रहेगी एक रीजन से दूसरे. हिमालयन की अलग होगी, एरिड सेमी एरिड की अलग होगी, कोस्टल प्लेन्स की अलग होगी. दैट मीन्स टोटल वेजिटेशन डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट एंड सॉइल. ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन फीचर्स सच एज प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन टाइप एंड क्लाइमेटिक रीजन, इंडियन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग ग्रुप्स. अब हम कह सकते हैं जो सॉइल है, जो क्लाइमेट है, उसके बेसिस पे जो फॉरेस्ट का ग्रुप डिवाइड किया गया है वो इस तरीके से है. जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं वो पहला क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हम आगे इसमें टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. सेकेंड है ट्रॉपिकल डिग्रीडियस फॉरेस्ट. थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. फिर है माउंटेन फॉरेस्ट. फिर है लेटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट. इन सारे फॉरेस्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पे आज डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट हैं वो, इनकी जो सॉइल है वो किस तरीके से होता है, जो क्लाइमेट है वो किस तरीके से होता है, कैसे रीजन टू रीजन ये वेरी करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में. द ब्रिटिशर्स वर अवेयर फॉर द ऑफ द इकोनॉमी वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया. देखिए, किसी भी कंट्री के जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, रिसोर्स पे डिपेंड करता है. और जो फॉरेस्ट है वो भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, तो ओबियस है कि इसकी भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है. पहले के टाइम पे पास्ट ईयर हम क्या था, जो ब्रिटिश थे वो हमारे ऊपर रूल करते थे, लेकिन उनको एक चीज़ बहुत अच्छी के अच्छे से नॉलेज में थी कि फॉरेस्ट की इंडिया में इकोनॉमिक वैल्यू क्या है. हैंस लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट वर स्टार्टेड. और उन्होंने सडनली क्या किया, एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया, यानी कि रैकलेस कटिंग करनी शुरू कर दी. किसकी, जो ट्रीज हैं उनकी. द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट वॉज ऑल्सो चेंज. और जो स्ट्रक्चर था फॉरेस्ट का उसको भी पूरी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया. द ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल एंड कुमाऊं वर रिप्लेस्ड बाय पाइन विच वॉर नीडेड टू ले रेलवे लाइन्स. यानी कि जो ओक फॉरेस्ट है गढ़वाल एंड कुमाऊं के जो नेचुरल वेजिटेशन थे उनको क्या कर दिया गया, उनको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया. किसके जगह, पाइन की जगह. क्यों, पाइन किस लिए ज़रूरत थी, कि रेलवे लाइन्स को उनको ले डाउन करना था. ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ है, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने. सबसे पहले स्टार्ट किया गढ़वाल एंड कुमाऊं से, जहाँ पे ओक फॉरेस्ट है उनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया पाइन को. और पाइन की नीड क्यों थी, पाइन की नीड इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर रेलवे लाइन को रिप्लेस किया गया.
फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी रबर एंड कॉफ़ी. और जो प्लांटेशन थे फॉर जो प्लांटेशन थी किसकी, टी रबर एंड कॉफ़ी. जो टी रबर एंड कॉफ़ी होती है ये कमर्शियल क्रॉप होती है, ठीक है. मतलब यहाँ पे जो बेनिफिट देगा वो इन इन जो क्रॉप्स है वो ज़्यादा बेनिफिट देंगे. इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब फॉरेस्ट को क्लीन करना शुरू किया और उनकी जगह पे प्लांटेशन किया. किसका प्लांटेशन किया, टी कॉफ़ी रबर, ठीक है. द ब्रिटिशर ऑल्सो यूज टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. किस चीज़ में, मतलब अब जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा वो किसका होने लगा, टिम्बर का होने लगा. क्योंकि टिम्बर किस में यूज़ होता था, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. एंड इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर ऑफ हीट. किसका था, कैसे काम करता था, इंसुलेटर ऑफ हीट. द पोटेंशियल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट वॉज दस रिप्लेस बाय द कमर्शियल यूज़. यानी कि जो पोटेंशियल प्रोटेक्शनल यूज़ था फॉरेस्ट का वो रिप्लेस्ड हो गया कमर्शियल यूज़ में. मैंने अभी आपको बताया ना, कमर्शियल यूज़ का मतलब एक अर्निंग के पर्पज़ से उन्होंने उसको करना शुरू किया. सबसे पहले जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल डिग्रीज फॉरेस्ट. अब मैं आपको इसके बारे में बढ़ाना शुरू करूँगी कि कितनी इनकी हाइट होती है, रेनफॉल की जो नीड होती है वो कितना होता है, कौन कौन से जो फॉरेस्ट हैं वो इसके अंडर आते हैं. तो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया में अगर जो सबसे ज़्यादा है तो वो कौन से हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट. क्या कहा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट. यानी कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है. दे स्प्रेड ओवर रीजन विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर. रेनफॉल की नीड कितनी है, 70 to 200 सेंटीमीटर. ऑन द बेसिस ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इंटू मॉइस्ट एंड ड्राई एरियाज. यानी कि जो अवेबिलिटी है वाटर आगे चल के फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है. डिवाइडेड होने का रीजन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी ऑफ वाटर. और डिवाइड किस में होते हैं, मॉइस्ट एंड ड्राई, ठीक है. द मॉइस्ट डिक्टीरियस फॉरेस्ट आर मोर प्रोनाउंस्ड इन द रीजन विच रिकॉर्डेड रेनफॉल बिटवीन 100 and 200. जो मॉइस्ट हैं वो कहाँ, कितने में, कौन कितनी रेनफॉल चाहिए होती है उनके लिए, 100 to 200 सेंटीमीटर. यानी कि जो ग्रो करते हैं फास्टली वो 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच का रेनफॉल होना चाहिए. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन. ये जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में और फुट हिल्स ऑफ हिमालयन, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड उड़ीसा. यानी कि हिमालयन, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, उड़ीसा, इन सारे रीजन्स पे ये जो फॉरेस्ट हैं ये पाए जाते हैं. देखिए बहुत सिंपल तरीका है इस चैप्टर को याद करने का. आपको सबसे पहले रेनफॉल पता करनी है. जैसे कि जो मॉइस्ट हैं इनके लिए रेनफॉल रिक्वायरमेंट है 100 to 200 सेंटीमीटर. स्टेट हैं नॉर्दर्न स्टेट लाइक हिमालयन, उड़ीसा एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है. अब कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, टीक है, शाल है, शीशम है, उरा है, महुआ है, आमला है, सेमल है, कुसुम है, सैंडलवुड है, एक्सेट्रा. दीज आर द मेन स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट. आपको ये सारे नाम भी याद नहीं करने हैं, आप इसमें से चार नाम ले सकते हैं, टीक हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया और महुआ या आमला हो गया. आप ये चार नाम लेके इसको याद कर सकते हैं. एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे नाम इसमें याद करने हो. रेनफॉल की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 100 to 200. स्टेट कौन से थे, उड़ीसा हो गया आपका, हिमालयन हो गया आपका, फुट हिल्स ऑफ हिमालयन हो गया आपका और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स हो गया आपका. और कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, टीक हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, आमला हो गया. ये क्या है, मेन स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट. फिर हम आते हैं ड्राई पे. ड्राई की जो रेनफॉल रेंज है वो कितनी है, 70 to 100 सेंटीमीटर. जो मॉइस्ट थी उसकी कितनी थी, 100 to 200 सेंटीमीटर, ठीक है. ऑन द वाटर मार्जिन्स इट हैज़ अ ट्रांजेक्शन टू द मॉइस्ट डिक्टीरियस वाइल ऑन द ड्रायर मैरिज टू थॉर्न फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रेनियर एरियाज ऑफ पेनासुला एंड द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. यानी कि जब वाटर की जब कमी होती है तो किस में चला जाता है, ये ड्राई ड्राई फॉरेस्ट में ये चेंज हो जाता है. और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, पेनासुला. इन द हायर रेनफॉल रीजन ऑफ द पेनासुलर प्लेटू एंड द नॉर्दर्न प्लेन दीज फॉरेस्ट हैव अ पार्कलैंड लैंडस्केप विथ ओपन स्ट्रेच इन विद द टीक एंड अदर ट्रीज इंटरस्प्रेड विथ पैचेस ऑफ ग्रास आर कॉमन. देखिए जो होते हैं ना, इनकी जो टहनियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होती हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जगह लिए हुए होते हैं. आप देख सकते हैं कि जो पैचेस ऑफ ग्रास होते हैं इनके आसपास
जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए होते हैं, और ये एक कॉमन चीज़ होती है। ठीक है, एज द ड्राई सीजन, जब ड्राई सीजन शुरू होता है, द ट्रीज शेड देयर लीव्स, जो ट्रीज़ हैं वो अपनी लीव्स को गिराना शुरू कर देती हैं पूरी तरीके से, एंड द फॉरेस्ट अपेयर लाइक अ वास्ट ग्रास लैंड विथ मार्क दीज ऑल अराउंड। और उसके बाद क्या होता है, जो फॉरेस्ट हैं वो अपेयर्स होते हैं एक बड़े ग्रास लैंड की तरह विथ नेक ट्रीज ऑल अराउंड, जिनके पत्ते पूरी तरीके से झड़ जाते हैं, आप समझ सकते हैं ना, पूरी तरीके से पत्ते झड़ जाते हैं और नेक ट्रीज होते हैं वो, तेंदू है, पाल्स है, एमलेट्स है, बेल है, खेर है, एक्सल वुड है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, इन द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वेजिटेशन कवर इज वेरी स्कैंटी ड्यू टू द लो रेनफॉल एंड ओवर गेजिंग। अब क्या है, जो राजस्थान रीजन है, जो वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट है राजस्थान वेजिटेशन का, ये कवर है एक स्कैंटी, मतलब बहुत ज़्यादा जो रेतीला होता है, बहुत ज़्यादा जो कम होता है, किसकी वजह से, जो हमारी लो रेनफॉल है और जो ओवर गेजिंग है उसकी वजह से। ठीक है, यानी कि जो हमने अभी तक मेन पढ़ा है फॉरेस्ट के बारे में, उसमें हमने क्या पढ़ा, तीन चीज़ें इसमें हमें याद करनी है, पहला रेनफॉल कितनी है, कितने रेंज से कितने रेंज के बीच में, दूसरा कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से जो फॉरेस्ट है वो हैं, तीसरा कौन कौन से किस किस तरह की स्पेसिस इन रीजन्स में पाई जाती है। तीन चीज़ें आपको याद करनी है, बाकी इस पर ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं डालना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। क्या है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज विच रिसीव रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको फिर से आपको बताती हूँ कि जो रेनफॉल है वो इसमें हमारा मेन पॉइंट है, स्टेट्स जो हैं वो हमारा सेकेंड पॉइंट है, थ्री पॉइंट्स में आपको इसको सिंपल सिंपल डिवाइड करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। पहला पॉइंट जिसमें आपका रेनफॉल आएगा, सेकेंड पॉइंट कौन कौन से स्टेट में ये अपेयर हो रहे हैं, थर्ड पॉइंट कौन कौन सी स्पेसीज इसमें आ रही है। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट अगर इन द एरियाज विच रिसीव रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, कितनी रेनफॉल चाहिए इसमें, लेस देन 50 सेंटीमीटर। दीज कंसिस्ट ऑफ अ वराइटी ऑफ ग्रास लैंड एंड शर्ब्स, क्या क्या कौन कौन सी वराइटी है इसमें, ग्रास एंड ग्रासेज एंड शर्ब्स, यानी कि जो घास है और जो झाड़ियाँ हैं। इट इंक्लूड सेमी एरिड एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब हरियाणा राजस्थान, कहाँ कौन कौन से एरिया आ रहे हैं इसमें, सेमी एरिड एरियाज, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, या गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और उत्तर प्रदेश। आपको इसमें सिंपल सी तीन स्टेट्स याद करने हैं, तीन या चार कर सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। ये आप सीधे सीधे याद करिए, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन दीज फॉरेस्ट प्लांट्स रिमेन लीफलेस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द एयर एंड गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ सर्व वेजिटेशन। ज़्यादातर जो ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, लीफलेस होते हैं, यानी कि पत्तों के बगैर होते हैं, और मोस्ट पार्ट ऑफ द एयर एंड गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ सर्व वेजिटेशन, और किस तरीके एक्सप्रेशन देते हैं, ये स्क्रब वेजिटेशन की तरह जो है अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, यानी कि इनमें पत्ते लीफलेस होते हैं। ठीक है, जो झाड़ियाँ होती हैं लाइक दैट, देखिए सूखी झाड़ियाँ जैसी होती हैं वो। इंपॉर्टेंट स्पाइसेस फाउंड आर, देखिए कौन कौन से होते हैं, बबूल, बेर एंड वाइल्ड डेट पाम, खेर, नीम, खिजर, पाल्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें भी आपको जो स्पेसिस हैं वो सारी याद नहीं करनी है, बबूल याद कर लीजिए, बेर याद कर लीजिए, ठीक है, डेट पाम याद कर लीजिए। ठीक है, टसोकी ग्रास ग्रोज अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर एज द अंडर ग्रोथ, कितनी ग्रोथ हो जाती है इसकी, 2 मीटर हाइट। आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है झाड़ियाँ, लीफलेस का मतलब होता है जिनमें कांटे वाटे होते हैं। बेर का आपने पेड़ देखा, इसी तरीके की जो स्कर्ब्स होती हैं उनमें बेर होते हैं, तो बेर एक जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है, बहुत ज़्यादा हाइट लिए हुए नहीं है ये, देख सकते हैं आप। इसके बाद हम पढ़ेंगे माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है इसमें, माउंटेन फॉरेस्ट। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लेड्स टू अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। जो माउंटेनियन एरियाज होते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। ठीक है, और एक कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होते हैं नेचुरल वेजिटेशन में। माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन टू 2 टाइप्स। जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं वो 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है, द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड द साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। पहला क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट, और दूसरा क्या है, साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट।
The southern mountain forest include the forest found in three district areas of peninsular India. कहाँ पाए जाते हैं जो southern mountain forest हैं, ये पाए जाते हैं आपके peninsular India में. The western ghats, the Vindhyas and the Nilgiris. कहाँ कहाँ पे? Western Ghats, Vindhyas and Nilgiris. As they are closer to the ट्रॉपिक्स, और किसके क्लोजर होते हैं ये ट्रॉपिक्स के, एंड ओनली 1500 मीटर अबव द सी लेवल, और सी लेवल से कितनी इनकी हाइट है 1500 मीटर. वेजिटेशन इज टेम्परेट इन द हायर रीजन एंड सब ट्रॉपिकल ऑन द लोअर रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट. देखिए ये जो सी लेवल है 1500 मीटर अबव द सी लेवल, वेजिटेशन इज टेम्परेट इन द हायर रीजन. जो वेजिटेशन होगी वो कैसी होगी? टेम्परेट होगी हायर रीजन में, और सब ट्रॉपिकल होगी ऑन द लोअर रीजन में ऑफ द वेस्टर्न घाट, स्पेशली इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कोल्ड कॉल्ड सोल्स इन द नीलगिरी. जो टेम्परेट फॉरेस्ट है इन्हें क्या कहा जाता है? सोलास. कहाँ कहा जाता है? नीलगिरी में, और अन्नामलाई एंड पलानी हिल्स में. सम ऑफ द अदर ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इंक्लूड. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया से हम देखते हैं तो कौन कौन से इसमें इंक्लूड है? मैग्नोलिया, लेरुलिया, चिनोचना एंड वेटल. सच फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा एंड द माइकाल रेंज. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सतपुरा और माइकाल रेंज में. ठीक है, अब आता लेटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट. इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ वाटरलैंड हैबिटेट्स. ठीक है, जो इंडिया है उसमें क्या है? एक बहुत अच्छी वैरायटी है किसकी? वाटरलैंड हैबिटेट्स की. अबाउट 70% ऑफ दिस कंप्राइज एरिया अंडर पैडी कल्टीवेशन. किसके लिए यूज़ किया जाता है? पैडी कल्टीवेशन. द टोटल एरियाज ऑफ वेटलैंड इज 3.9 मिलियन हेक्टेयर. कितना है वेटलैंड? 3.9 मिलियन हेक्टेयर. टू साइड्स चिल्का लेक उड़ीसा. कहाँ पे है चिल्का लेक? उड़ीसा में. एंड कियो लेडियो नेशनल पार्क भरतपुर. कहाँ पर है? भरतपुर में. आर प्रोटेक्टेड एज वाटर को हैबिटेट अंडर द कन्वेंशन ऑफ वाटरलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. ठीक है, यानी कि ये क्या बता रहा है कि जो दो साइड्स हैं, चिल्का लेक हो गया आपका उड़ीसा में, और कियोलेडियो नेशनल पार्क हो गया भरतपुरा में, ये प्रोटेक्टेड हैं. ये जो साइट्स हैं ये प्रोटेक्टेड हैं वाटर फ्लो के थ्रू, हैबिटेट्स अंडर, और किसके अंडर इनको संरक्षण दिया जा रहा है, किसके अंदर हैबिटेट्स किए जा रहे हैं, किसके अंदर पल रहे हैं? कन्वेंशन ऑफ वाटरलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. ठीक है, क्या है ये? एन इंटरनेशनल कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. यानी कि एक एग्रीमेंट है. किसके अंडर है ये एग्रीमेंट? यूनाइटेड नेशन के अंडर. द कंट्रीज वेटलैंड हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 8 कैटेगरीज. कितनी कितनी कैटेगरीज में ये ग्रुप्ड है? 8 कैटेगरीज में. फर्स्ट क्या है? द रिजर्वियर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन द साउथ टुगेदर विद द लेगून्स एंड द वेटलैंड्स ऑफ द साउथर्न वेस्ट कोस्ट. जो फर्स्ट रिजर्वियर है डेक्कन प्लेटू का, कहाँ पर? साउथ में. ये एक साथ काम करते हैं विद द लेगून्स एंड अदर वेटलैंड ऑफ द साउदर्न वेस्ट कोस्ट. जो सेकंड है द वास्ट सलाइन एक्सपेंशन ऑफ राजस्थान. कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये? राजस्थान, गुजरात एंड गल्फ ऑफ कच्छ. जो थर्ड है वो कहाँ कहाँ पर है? फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिजर्वियर्स फ्रॉम गुजरात ईस्टवर्ड थ्रू राजस्थान. जो फ्रेश वाटर लेक्स है, रिजर्वियर है, ये कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात ईस्टवर्ड से राजस्थान तक. ठीक है, एंड मध्य प्रदेश तक. और द डेल्टा वाटरलैंड एंड लेगून्स ऑफ इंडिया ईस्ट कोस्ट. कहाँ से कहाँ तक है? जो डेल्टा वाटरलैंड और जो लेगून्स है वो इंडिया में ईस्ट कोस्ट तक है, यानी चिल्का लेक तक. और जो फ्रेश वाटर है, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, जो फिफ्थ पार्ट है इसका, द फ्रेश वाटर मार्श ऑफ द गिगेंटिक प्लांट्स. कहाँ तक है? गिगेंटिक प्लांट्स तक. फ्लड प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र, द मार्शेज एंड स्वैम्प इन द हिल्स ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया इन द हिमालयन फुटवेल्स. द जो फ्लड प्लेन्स हैं ब्रह्मपुत्र के, जो मार्श, जो दलदली है, जो मार्श एंड स्वैम्पी का मतलब होता है जो यहाँ पे कीचड़ और दलदल लिए हुए होते हैं, इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. कहाँ कहाँ तक है? हिल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और हिमालयन फुट हिल्स तक.
जो सिक्स्थ है वो है द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। कहाँ से कहाँ तक है? जो लेक्स हैं रिवर्स हैं वो माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख तक है। और द मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड अदर वेट लैंड ऑफ द इनलैंड आर्क्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आर्क बनाए हुए हैं कहाँ पे? जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं वो अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, मैनग्रोव ग्रो अलोंग द कोस्ट इन द सॉल्ट मार्शेस टाइडल क्रीक्स मड फ्लैट्स एंड द एस्टुअरीज। एस्टुअरीज होता है जो मुखाने बनते हैं नदी के, बहती भी जाती है ना नदी, बड़े बड़े मुखाने बनते हैं उनको कहते हैं एस्टुअरीज। ठीक है, कहाँ ग्रो करते हैं? जो मैनग्रोव ट्रीज होते हैं कोस्टल लाइन्स में। मार्शेस होते हैं टाइडल, जो लहरें आती हैं, जो टाइडल्स आते हैं उनकी वजह से ये जो नई नई नदियाँ निकलती हैं उनके किनारों पर ये ग्रो करते हैं। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, इससे आगे हम इसको लेके चलेंगे। ओके।